Welcome to Minto Fresh presents Chinchpokli to China, जहाँ से कोई भी हंसे बिना China. जोरदार तालियाँ हो जाएं हमारे judges के लिए. The one and only Arshad Singh और Shakil. अब इससे पहले कि हमेशा की तरह वो चूहिया यहाँ पे आ जाए, मैं अपना शो शुरू करती हूँ. चूहिया किसको बोला? अरे यार, फिर से आ गई. नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी, ऐसे ही. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे मुंह मत लगा करो. तुमने अपना मुंह देखा है? इतना छोटा सा है. हाँ तो तुम्हारा कौन सा बड़ा सा है? देखो बेटा, बेटा देखो, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, जाओ पढ़ो. हाँ जाओ. क्या मैंने तुमसे कहा अभी तुम्हारी शादी की उम्र है, जाओ करो? इससे तो मेरा पूरा बर्डन इतना बढ़ा दिया है ना. गॉड, बर्डन बर्डन करती रहती हो. बर्डन का मतलब भी पता है? जैसे तुमको बहुत पता है. आजकल बच्चों को ही सबसे ज्यादा बर्डन होता है. स्कूल जाना, 25 किलो का बैग उठाना, घर जाकर होमवर्क करना, टीवी देखना, रिपोर्ट के लिए झगड़ा करना. यहाँ आकर भी तो एंकरिंग का बर्डन होता है. Yes, 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 yes. देखो बेटा. बेटा बेटा कहती रहती हो. जिंदगी में कभी चॉकलेट दिया मुझे? अरे चॉकलेट कहाँ से दूँ, कहाँ से दूँ चॉकलेट? पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे पेमेंट मिलेगी तब चॉकलेट दूंगी ना. मतलब जब मेरी चॉकलेट खाने की उम्र चली जाएगी तब तो होगी. चलो पीछे हटो, मुझे शो शुरू करने दो. हेलो एंड वेलकम. अरे बेटा बेटा बेटा, एंकरिंग ऐसे नहीं होती. तो कैसे होती है? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ. ओके, जो मैं बोलती हूँ वैसे तुम रिपीट करना. ओके हाँ, रेडी? Hello and welcome to. मुझे पूरा बोलने तो दो. मुझे पूरा बोलने तो दो. नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा तुम समझी नहीं. नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा तुम समझी नहीं. देखो नंदिनी. देखो नंदिनी. नंदिनी तुम हो कि मैं? नंदिनी तुम हो कि मैं? ये बहुत पुरानी कॉमेडी है. पुराने लोगों के साथ पुरानी कॉमेडी ही तो करूंगी ना. देखो मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, समझी ना. ये भी तुम ही डिसाइड करोगी. बहुत होगी मेरी इंसल्ट, तुम डिसाइड कर लेना, लेकिन अभी तुम जाओ प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो, जाओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज यहाँ पे आने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स ऑफ आवर टाइम विद एन अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली अरशद वारसी. कहाँ जा रहे हो भाई? अबे मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. अरे यार अरशद, तू आया बहुत खुशी हो गई यार. मेरे को भी खुशी हुई. क्या जोड़ी लग रही अपनी मिरर में. अपन कॉमेडी सर्कस में पार्ट ले लेते यार. अरे क्या बात कर रहे हो भाई यार, तुम कॉमेडी सर्कस में? नहीं नहीं, काय को यार, मेरी एज निकल गई है क्या? अरे एज का प्रॉब्लम होता तो शेखर यहाँ पे होता क्या? अरे शेखर इधर कॉमेडी थोड़ी करता है, वो बैठ के इसे देखता है. तो उसको देख के लोग हंसते क्यों रहते? अरे मेरे को क्या मालूम यार, मेरे को सिर्फ उधर कॉमेडी करने की. तो करो ना यार, किसने रोका है? अरे यार अरशद, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार. क्या हुआ? आजकल अकेले मेरे से कुछ भी नहीं होता यार, तेरी आदत पड़ गई है यार. देखो भाई, ये गंदी आदतें बदल दो यार. अरे आदत कोई चड्डी थोड़ी है जो हर हफ्ते बदल दूंगा. भाई काम करो यार, एक कॉमेडी छोड़ दो यार, सीरियस बन जाओ, सीरियस एक्टिंग. अरे यार अरशद, गोली काय को दे रहा है यार, तू बता तू मेरा पार्टनर बनेगा कि नहीं? मेरे को माफ करो यार. हाँ. मैं गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा के साथ करो. गोविंदा,
अरे गोविंदा के साथ वही प्रॉब्लम है यार जो तेरे साथ है। वो भी चड्डी नहीं पहनता क्या? अरे गोविंदा के साथ जब भी काम करता हूँ ना वो मुझे पूरा खा जाता है यार। अरे इससे अच्छा तो मैं हरमन बाबेजा का पार्टनर बन जाऊं यार। पर हरमन बाबेजा कॉमेडी करता है, मुझे भी नहीं मालूम था। अरे उसको भी कौन सा मालूम है कि वो कॉमेडी करता है यार। फिर भी लोग उस पे हंसते हैं ना। अक्षय कुमार मस्त है वो पार्टनर, अच्छा। अरे नहीं यार, अक्षय ने ना कतरीना को अपना पार्टनर बना लिया है, वो सारे काम उसी के साथ करता है। अगर कतरीना के पार्टनर को पता चला ना और वो नाराज हो गया तो अक्षय पूरा काम तमाम कर देगा। अरे अर्शद, हाँ मैं आमिर को अपना पार्टनर बना लूँ क्या? अरे नहीं नहीं भाई ऐसा मत करना, कॉमेडी करते करते कम से कम 5 साल निकल जाएंगे, बता रहा हूँ। 5 साल का एक हो तो क्या है ना, पिक्चर तो वो एक करता है एक टाइम पे, 5 महीने में खत्म करता है, 4.5 साल वो प्रेपरेशन में लगा देगा। तो उम्र भी। एक सजेशन है मेरे पास। हाँ, शाहरुख के साथ जोड़ी बना लो। शाहरुख के साथ? अरे शाहरुख की रब ने बनाई हुई जोड़ी नहीं चली, तो मेरे साथ क्या जोड़ी चलेगी यार। तो चलना होता है तो चलती है जोड़ी, फॉर एग्जाम्पल नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की जोड़ी चली कि नहीं? अरे वेरी गुड आइडिया यार, आई एम वेरी हैप्पी। मैं ना एक सीनियर एक्टर को अपनी जोड़ी में ले लूंगा, अगर उसने कॉमेडी नहीं की तो सारा दोष उसको मिलेगा, आई विल बी एट अ सेफ साइड यार। ये आइडिया तो मेरा है, ये तो मैं करता हूँ। पर यार भाई तुमको अपने आप पर इतना डाउट क्यों है यार? अरे यार अर्शद, जब सारी दुनिया डाउट करने लगती है ना तो अपने को तो डाउट हो ही जाता है ना। हाँ ये भी सोल्यूशन। कमाल का आइडिया मेरे पास, डबल रोल। हाँ डबल रोल, पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। डबल रोल? अरे तूने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया यार, अब सारा प्रॉब्लम पब्लिक का है। यार अर्शद मेरे एक और प्रॉब्लम। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, शर्म कर रहे हो यार। नहीं मेरे पास बच्चे देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है यार, डरता का है कोई? क्वेश्चंस है? हाँ कमाल है। इसका जवाब तेरे को देने का है। बिल्कुल। इनमें कौन सा ज्यादा हैंडसम है, डैशिंग और किलर लुक्स वाला है? अप्पू का बेटा सिकंदर खेर या चक्रू का बेटा मिमो चक्रवर्ती? ये दोनों तो डराने वाली चीज है। नहीं मैं पूछ रहा इसमें हैंडसम कौन है। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, मिमो तो अंधेरे में नजर ही नहीं आते। हाँ, और उजाले में उसको कोई देखना नहीं चाहता। कोई देखना नहीं चाहता। क्या करेंगे? चलो सिकंदर। सिकंदर फिर हाँ। भी थोड़ा ठीक है वो। ठीक है हाँ? चलेगा। दूसरा सवाल, हाँ। इनमें से आपको कौन साड़ी पहने हुए अच्छी नहीं लगती, मल्लिका शेरावत हाँ? या राखी सावंत? मल्लिका। मल्लिका नहीं, क्योंकि एक को मैंने साड़ी में देखा, दूसरे को तो मैंने कभी साड़ी में देखा ही नहीं है। हाँ। अगला सवाल, इनमें से आप किस फिल्म में काम करना चाहेंगे? हाँ। घूम घूम के चुम या चुम चुम के घूम? घूम घूम के चुम। काय को यार मेहनत बहुत लगती है, चुम चुम के घूम ना यार। अच्छा मेरे को घूमने का? अच्छा हिरोइन घूमेगी और चुमेगी। कोई बात नहीं यार, अगला सवाल, इनमें से कौन बेहतर बाल कलाकार है? हाँ। प्रीतम या मोंटी शर्मा? प्रीतम के उसके पास बाल ही बाल है। अच्छा अरे इस हिसाब से तो बाल कलाकार सबसे अच्छा अनिल कपूर होगा। मोंटी शर्मा? मोंटी शर्मा। अच्छा अरे वाह यार, तूने तो सब सवाल के बहुत अच्छे जवाब दिए यार। लेकिन तेरे को क्या लगता है, इधर सब तेरे से खुश है? हाँ क्यों, मैंने क्या किया? अरे एक आदमी है जो तेरे से बिल्कुल खुश नहीं है। पैसा तो नॉर्मली औरतें खुश नहीं होती, आदमी भी खुश नहीं होने लगे। एक हिलेला आदमी है। अच्छा, उसको तू हैंडल कर लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं चलता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं अकेला क्या? अच्छा हाँ साइडवेज। अरे अंटा सब सही है, दूध दही माँ मस्का उसी का चस्का, मरती आते जिंदगी वाटे पगार 160 है खाने वाले। सांस ले ले मर जाएगा, क्या कर रहा है? अरे अर्शद भाई आऊ एकदम गड़गड़ाम जयम बब्बन बहन किया बंबई नंबर 11 बुरा। बहुत सही भाई, बहुत बड़े फैन है आपके। थैंक यू। बड़े बड़े भाई लोग है ना, अमरीश पुरी प्राण जीवन ये लोग ने ना भाई 20 साल में जो झंडे झंडे वाले ना झंडे, हाँ। आप लोग ने 2 पिक्चर में पूरे उखाड़ लिया है।
अरे भाई कुत्तों यार रहम करो भाई, एकदम जाम हो गए, हलक में आ गए भाई। बात करने देना यार, तू चाइनीज बोल रहा है, फुल स्टॉप कॉमर कुछ है ही नहीं लगा हुआ है एकदम। सीन क्या है भाई? सीन संगीन है, फोटो रंगीन हो गया भाई। भाई सदियों पुरानी परंपरा थी भाई, भाई लोग है ना पब्लिक को फूल देते थे। अच्छा, आप लोग ने आगे फूल देना चालू कर दिया भाई। किसी को फूल देते ना तो वो आदमी एकदम से अपना हो जाता है। एकदम से अपना नहीं होता भाई, अपने को एकदम से दूर समझने लगता है। यार गुस्सा थूक दे, हालांक में जमा हो गया तो तेरे को दमा हो जाएगा। सीरियस मत हो अभी। क्या सीरियस मत हो भाई, आप लोग पिक्चर में इतनी खोटी खोटी कॉमेडी के, कोई अपने को सीरियसली ले ही नहीं ले रहा है। अभी वो गए थे वो जुम्मन की दुकान पे राशन वाले के पास, जैसे ही आप उसको हुल पाट दिया ना भाई, बोला भाई वंस मोर, दो बार करेंगे तो एक चिक्की फ्री। अभी क्या है ना, पब्लिक को गांधीगिरी पसंद आएगी, एक दिया तो दूसरा फ्री। गांधीगिरी भाई, गांधीगिरी ने भाईगिरी के रस्ते लगा डाले। अभी वो माइम फाटक पे, वो जो रियाज फाटक की दुकान है ना, उससे पिछले हफ्ते अपन हफ्ता लेने गए थे, जैसे ही हफ्ता मांगे अगले ने याउम कान की जमा जड़ दी अपने। अपन कुछ बोले बोले गाल घुमाओ भाई, अभी पूरा नहीं हुआ, तवा गरम एक और पराठा सेकने गए। देखो ऐसा कभी हो ना तो सामने वालों को ना जादू की जप्पी दे रहे। जादू की जप्पी की बात कर रहे हैं, ये जादू की जप्पी के चक्कर में ना पब्लिक भाई लोग को गुड़ समझ ले लिए, वांदा हो गया। अपने तो इतने कड़क मजबूत जाम हो गए ना भाई कि ईद के दिन भी किसी से गले नहीं मिलते, दूर से पब्लिक को हाथ दिखा के टाटा बिरला करते, चलतम भाई चल। तुम खामखा नाराज हो रहे यार, हम लोग ने भाईगिरी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया है। तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे, अपने इधर बस स्टॉप पे खड़े होने के वांदे हो गए। सॉरी यार, लेकिन हम लोगों की तो क्या निकल पड़ी ना, इतने ऑटोग्राफ देने पर थे कि हाथ दर्द हो जाते, हाथ में झंडू बम लेके घूमना पड़ता है। घूमो भाई घूमो, याउम घूमो, अंगार घूमो, आप लोग घूम रहे हो, पब्लिक अपने को देख के यू टर्न मार रहे लिए। भाई इतने बिल्ला सीन हो गए ना भाई, एक बात बोलता हूँ, गिल्टी फीलिंग मत कर रहा भाई, आप लोग को शर्म नहीं आती? इतने बड़े भाई हो गए पिक्चर में फिर भी स्कूटर लेके घूम रहे हो भाई, आप लोग तो घूम रहे हो स्कूटर लेके, अपन पैदल हो गए ले। हम लोग तो अच्छा है, लंदन अमेरिका न्यूयॉर्क घूमते रहते। घूमो भाई घूमो, सही में भाई हो ना, एक बार दुबई घूम के आओ, माँ कसम अगले दिन मस्जिद में तुम्हारे नाम की नान खड़ा ही नहीं बढ़ गई ना भाई, तो अपना नाम चेंज कर देना भाई। देखो हम लोग है ना बॉलीवुड के भाई लोग हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ सही बात है भाई, बिना मौसम के गा रहे हो, बिगर बरात के नाच रहे हो तुम लोग। अरे कसम से भाई, इतना एक वजन था ना भाई लोग का, जिसके कंधे पर रखते तो टेढ़ा हो जाता था वो। माँ कसम ऐसे भाई लोग थे ना कि भाई लोग की शादी में आइटम लोग नाचते थे, आज उल्टा सीन हो गया, आइटम लोग की शादी में भाई लोग नाच रहे ले। देखो अरे भाई सीन क्या हो गया, आपको पहले पूरा सुन लो भाई, पैसे पैसे मेरे को मिलेंगे भाई, पहले पूरा सुनो भाई। क्या सीन क्या ना भाई, ऐसी इज्जत खराब हो गई ना जावेद भाई से, पब्लिक गंगू भाई समझ रहे लिए अपने को। क्या नाचो तो आइटम आइटम पटा सकते यार, सेट होते ना, सेट होते, सेट नहीं होते इधर अपसेट हो रहे ले। अपने को देख के ना आइटम लोग ऐसा खोटा सीन हो गया है, जो भी आइटम देखता अपने को अर्चना पूर्ण सिंह हो जाता है। अर्चना पूर्ण सिंह मतलब, अरे बिल्ला बिल्ला खोटा खोटा हंस रहे ले यार अपने को। तू क्यों रो रहा है? अरे रोऊंगा ना भाई, एक जमाना था ना कि भाई लोग का ऐसा वसत था ना भाई कि माँ बोलती थी बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा, बेटा ना ठस के सो जाता था। अभी उल्टा हो गया है, अपन घर में जावे तो माँ बोलती है बेटा उठ जा अंकल कॉमेडी करेंगे। देखो जो भी है यार, ये भाईगिरी का उसूल है, जो भी काम है कर देना चाहिए। गया था एक का काम करने, जैसे चाकू निकाला ना भाई, अगला बोला एक काम करो अरशद वासी का तो घुमा के दिखाओ। अरे भाई घुमाने से आला भाई, भाई आप नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, ऐसी प्यार मोहब्बत कोका कोला। अच्छा ऐसी भाई ना आप ना बहुत याऊं घुमाते, बहुत देखे आप, एक बार जरा घुमाओ ना भाई, एकदम अदब की चड्डी पहन के घुमा डालो। ओके बोस बस 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 भाई, जरा 10 रुपए का और घुमाओ ना। क्या बोलता हूँ ना भाई, अपनी ये दुआ है ना भाई आपके लिए कि भाई पब्लिक कितना भी गोलमाल करे, आप याऊं फटे फाड़ू धमाल करो, पब्लिक आपको सलाम नमस्ते करे, क्रेजी फॉर यू रहे, पिक्चर भले ही फ्लॉप है लेकिन आप हीरो हिंदुस्तानी हो भाई, मानते हो भाई? क्या बात है अरशद, क्या भारी आइटम किए ले बाप। नो बट थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, हमें इतना एंटरटेन किया, इतना हंसाया, हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये छुरी में रख लो? नहीं रख लो भाई, अपनी तो एकदम वो जेबी नहीं, जेबी नहीं, गरीब भाई है, किश्तों पे जी रहे ले इसके मार। तो खोलते हैं हंसी का पिटारा,
अब बारी है आज की हस्ती की और आ रहे हैं गुरबी। क्यों हर एपिसोड में मेरी तारीफ करती रहती हो? लोग जानते हैं मैं हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, खास तौर पर लड़कियाँ। एक मिनट, तुम हैंडसम हो, चार्मिंग हो, टैलेंटेड हो, ये तुमसे किसने कहा? अच्छा चलो छोड़ो, तुम तो ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो। यस यस, तुमसे किसने कहा? बस मैं हूँ, इसमें कहने की क्या जरूरत है? बस मैं भी हूँ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी मेरे सर पे बहुत बर्डन है। तुम्हारे सर पे बर्डन? अब इस उम्र में तुम्हारे सर पे बर्डन क्या है? एक हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग लड़के के सर पे कितना बर्डन होता है कुछ पता है तुम्हें? कुछ अंदाजा भी है? स्टाइलिश कपड़े पहनो, हेयर स्टाइल चेंज करो, इम्प्रेशन मेंटेन करो, यू नो। बस करो प्लीज, बस करो, ये फालतू बातें बस करो, समझे? बर्डन तो वो है जो मैं झेलती हूँ। किस तरह का बर्डन? अरे भाई, शो को होस्ट करने का बर्डन। ये गलत फहमी तुम्हें कैसे हो गई कि तुम ये शो होस्ट कर रही हो? ये शो मैं और नंदिनी एंकर कर रहे हैं। बस इसी बात का तो बर्डन है। तो तुम अपने इस बर्डन को अपने सर से उतार दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब? मतलब ये कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देख के जो लड़कियां करती हैं। Oh my God, please, ये आजकल के बच्चे ना, seriously. Oh my God, ये आजकल की आंटियां ना। आंटी। तुमने मुझे आंटी कहो? उसके पहले कि मैं तुम्हारी घंटी बजा दूँ, ऐसे चले जाओ यहाँ से, तो मार लूँगी तुम्हें सबकी सड़क पर। पर्दे के पीछे अपने कॉमेडी की परीक्षा देने आ रहे हैं the phenomenally talented, the very good looking हुसैन। क्या बात है हुसैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू पूर्वी। तो आपको इतना पता है कि आप एक सपेरे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होगी, क्या कुछ, वो कुछ आइडिया नहीं है आपको? आई होप कोई ऐसी नागिन वागिन कुछ ऐसा ना हो जो आके मुझे डस दे। अच्छा, okay. you know, क्योंकि मुझे बीन बजानी आती तो है नहीं, तो आई होप आई कैन कीप देम इन कंट्रोल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा और मैं बना हूँ सने सांप। मैं हूँ सुदेश लरी और मैं बड़ी हूँ एक पंजाबी नागन बिल्लो। कुछ ही देर में यहाँ पे हुसैन आने वाले हैं और वो सफेरा बन के आएंगे। अब देखना ये है कि हुसैन हमें पिटारे में बंद करके ले जाते हैं या हम हुसैन को डस जाते हैं। All set to go? चामुंडा। तो प्लीज पर्दा खींचे क्योंकि हुसैन जा रहे हैं पर्दे के पीछे। बन गया मैं सपेरा। हे हे। ओए। हर पिटे में तेरा। बुझाने में नहीं आती तेरे को बीन। अच्छा? ये सपेरा कुछ करता है ना कुछ करने देता है। जब भी मैं कभी डेट पे जाती हूँ पीछे ये बीन बजा के मुझे रिवर्स वापस बुला लेता है। साफ फ्रेंड सर्कल में पता कितनी बदनामी होती है मेरी। ओए, ओए, अभी तक तो बीन ही बजाई है, तू कहे तो ढोलकी बजा लेते हो। अरे कहाँ गई? अबे अबे नहीं, जब से अबे की फिल्में चलने लगी लोग अबे अबे कर रहे हैं। मैं सनी हूँ। तो जीप क्यों दिखा रहा है? अरे नाक के गेटअप में आया तो जीप नहीं तो क्या दिखाऊं बे। 6 किलोमीटर दूर से नाचता हुआ आ रहा हूँ मैं। अरे बचपली में नाच लिए तो कहीं भी नाच लोगे हैं नचनिए। अरे तो बीन क्यों बजाई मिस्टर बीन? अच्छा तो कुछ भी बजाने से पहले मैं तुझे पूछूंगा। और सुन, बीन तो मैंने अपनी डार्लिंग के लिए बजाई। अरे ये कोई मोबाइल की रिंग तो ना जो इसके मोबाइल में बजेगी। अरे मैं आराम से बैठा हुआ पापा को नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे दारू पीते देख रहा था। तूने बीन बजा के बुला लिया, लोगों को लग रहा था
कि मैं गणेश चतुर्थी पर डांस कर रहा हूँ। अच्छा, तो तूने क्या अपने कानों में ब्लूटूथ पहन के रखा है जो तुझे इतनी दूर से सुनाई देता है? और सुन, यह कौन क्या कर रहा है यहाँ पर? ओए बुलक्कड़, अभी तो बताया, क्या तूने मुझे अपने डांस से नहीं पहचाना? ओए गोविंदा, ओए मैं लेट आया तो इसका मतलब गोविंदा हो गया? मैं सनी शेष नाग हूँ। सनी। अरे तू तो वही नाग है जो हमसे बच के शेष रह गया था, आज पकड़ में आ गए। ओए ओए क्या कर रहा नीचे? मैं अपनी नागिन को ढूंढ रहा हूँ। अरे नागिन यहाँ नहीं है। ओए कहाँ जा रहा है? ओए सुन, ये इच्छा जारी हमेशा बिछड़ क्यों जाते हैं? ओए ठीक से देख, पीछे वाली जेब में देखा। Don't finger me and don't confuse me. Hey नागराजा, मैं ही हूँ तेरी नागिन। अरे मेरी नागिन तो काली थी। पिछले जन्म में श्रीदेवी के रूप में आई थी ना, तब वो साउथ में पैदा हुई थी इसलिए काली थी। इस बार मैं पंजाब में पिल्लो के रूप में आई हूँ, अंदर से मैं काली हूँ, फिक्र ना कर। अरे तो कौन सी नागिन गोरी होती है? है? और तू पीछे हट, पीछे हट, ये तो मेरी नागिन है मेरी। अरे जाने मन, जाने जिगर, दिल के टुकड़े, मेरी कटीली नचनिया। डोंट टच मी सब्सिडी। नागराजा तुमने मेरे लिए क्या क्या दुख नहीं भटके। नागा अर्जुन, ये नाग पता नहीं किस बिल में जा जा के अटके। पिछले जन्म में हम अपने प्यार को पूरा न कर पाए। तुझे पाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए। छोड़ दे सारी दुनिया, हम 2-bedroom हॉल बसाएंगे। रहने दे डार्लिंग हॉल को, बेडरूम हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। चमुंडा, एक कौन सा मुंडा? ये मेरा पर्सनल गुंडा। और तू एक तो फालतू में एंट्री करता है, ऊपर से थीम चेंज कर दी, शेरो शायरी राउंड चालू कर दिया, चल जा यहाँ से। ओए ब्लडी फूल, स्टेज खत्म हो गया यार, निकल जा यहाँ से। ओए मैं अपनी नागिन के बिना नहीं जाऊंगा। अरे ये तो मेरी नागिन है, यहाँ जा। छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे। ओए क्या कह रहे? जस्ट किडिंग, छोड़ दे, तू छोड़ दे। अरे तुझे कैसे छोड़ दूं यहाँ? अरे तुझे छोड़ दूंगा तो मेरी बीन पे क्या कुत्ते नाचेंगे? पर फटे मुंह ऐसे नहीं बोलते, कुत्ता गुस्सा करेगा वो। अंदर से वो नागी है। तो छोड़ देना उसे, कुत्ते के पास काजरी, मेरे पास आ जा, आ जा। छोड़ दो, एक मिनट सोच लूं जरा। क्या सोच रही है बे? मैंने तेरे साथ 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया है, केस पे केस, केस पे केस कर दूंगा। हाय हाय, 7 जन्मों का किया ना, 2 जन्म हो गए, तू 5 के पैसे काट ले, दफा। बेरा जी, इसके पैसे मुंह पे मारो, दफा करो ऐसे कटिया नाक को। अरे वाह, मैं क्यों पैसे दूं? ओए मैं तो पैसे पहले ही दे चुका हूँ, मैंने इसे चोर बाजार से खरीदा था पूरे 17 रुपए देकर, मेरी सेकंड हैंड नागिन। क्या ये 17 रुपए की है? तमीज से बात कर। और सुन, जब शेर गिर गए तो फिर ये नागिन क्या चीज है ना? और तू दूर हट, जीप मत निकाल। सुन, अब नहीं हटेगा ना यहाँ से तो तेरी मैं दोनों नागमनी निकाल लूंगा। अब बोल नागमनी। Hussain, that was really very funny. बहुत entertaining था. अच्छा please हमें बताइए कि आपको हमारे जो नाग और नागिन थे वो कैसे लगे? I think they were hilarious. Krishna and Sudesh both have been fabulous on the show. Yeah. आज वो जो वहाँ पर कर रहे थे, it was एक बात मैंने समझी, it's very difficult to control your laughter. Exactly. हालांकि मैं 2-4 बार मैं हंसा भी, you know, करते करते, because पता नहीं कुछ वो Krishna ने अचानक को कुछ बीच में ये ऐसा कुछ शुरू कर दिया, अचानक बीच में हाथ दिखा दिया. आज मुझे एक बात गारंटी हो ही गई है, इतने सालों से जो एक बहुत ही गुड बॉय नाइस इमेज थी, आज के एक्ट के बाद वो गुड बॉय इमेज की तो हो गई. हुसैन, हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, यू वर फैबुलस, हमें बहुत एंटरटेन किया, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हुसैन. आज अपना छोटा मुंह लेकर आ रहे हैं मोगली और शहर की पच्ची, सो प्लीज वेलकम नंदिनी एंड सिद्धार्थ.
कौन सा जानवर है जो इंसानों जैसा दिखता है? मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। वो बदनसीब इंसान जिसके माँ बाप उसे जंगल में छोड़ गए थे और जो गोरिल्ला का दूध पी पी कर बड़ा हुआ है। मैं समझ गई, तुम वीआईपी के बेटे हो ना। वो भी ऐसी ही आवाजें निकालते हैं। अरे मुझे मोगली कहते हैं। ओ मोगली, माय गॉड तुम मोगली हो। तभी मैं सोच रही थी मैंने बचपन में तुम्हें कहीं देखा है। एनीवेज आई एम चिंकी और मैं अपना घर छोड़कर भाग आई हूँ। भाग आई हूँ क्यों? टीचर्स। ये टीचर्स क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है उनकी बचपन में खूब पिटाई हुई हो और अब वो बदला लेने के लिए टीचर्स बन गई हैं। उन्हीं टीचर्स से बच के मैं यहाँ आई हूँ। जंगल की जिंदगी कितनी अच्छी है। अभी तुमने यहाँ की प्रॉब्लम्स देखी नहीं है ना? यहाँ कोई माँ बाप नहीं होते जिसमें लाड़ प्यार से बड़ा करे। पता कितना स्ट्रगल है यहाँ पे। 3 साल का था तब से 30-30 फुट के पेड़ चढ़कर फल तोड़ के खा रहा हूँ और यहाँ पे ट्रेवलिंग के ना बंदर की पूंछ पकड़ के जाना पड़ता है। एक बार तो बंदर की पूंछ समझ के किंग कोबरा की पूंछ पे लटक गया था। अरे अभी तक खुन्नस दे रहा है वो। मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को शहर का रास्ता दिखा दो, मुझे वहीं जाना है। यहाँ रहूंगा तो मेरे कैरियर की वाट लग जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाऊंगा? टार्जन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या बन जाऊंगा? टार्जन। ऐसे बात कर रहा है जैसे शहर जाकर दर्शील सफारी बन जाएगा। दर्शील सफारी तो अभी अभी आया है, मैं तो उससे पहले का स्टार हूँ। लोग वहाँ पर मेरे ऊपर फिल्म बना रहे हैं और उस पे नोट छाप रहे हैं। यहाँ मेरे पास बाल कटवाने तक के पैसे नहीं है। देखो मोगली, ऐसी बेवकूफी मत करो वरना मुझ जैसी हालत हो जाएगी। 10 साल की उम्र में बिल्कुल मेधा पाट कर दिखने लगोगे। ठीक है, पर तू भी पढ़ लिख कर ज्यादा ज्यादा क्या बन जाएगी? डॉक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी। और कुछ नहीं बन सकी तो कम से कम एक स्माइल फेंक कर एयर होस्टेस तो बनी जाएगी। नहीं मोगली, मुझे तो लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा कूली बन जाऊंगी। कूली क्यों? जरा मेरी बैग तो उठा कर देखो, इसे उठा उठा कर कोई कूली नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? क्या क्या है क्या इस बैग में? मुझे तो ये बैग देखकर लग रहा है जैसे तू रोज घर से भागने के इरादे से ही बाहर निकलती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, तू मुझे चिढ़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, चल उठा इस बैग को, उठा कर दिखा जरा, उठा। क्या है इस बैग में? इस बैग में मेरी स्कूल की किताबें हैं जिन्हें मैं रोज रात को सोने से पहले पढ़ती हूँ। सोने से पहले क्यों? अरे नींद जल्दी आती है। नींद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैंने इस बैग को 1 महीना उठाया ना तो पेट का तो पता नहीं, पीठ पर 6-पैक एब्स निकल आएंगे। ये 25 किलो का बैग है मोगली, इसे जो एक बार उठाता है ना वो उठता नहीं, उठ जाता है। अच्छा किया तूने मुझे बता दिया कि शहर के बच्चों की लाइफ कितनी टफ है। मैं यही ठीक हूँ, मैं यही रहूंगा, मैं यही ठीक हूँ। और मैं भी यही रहूंगी। पागल है कि यहाँ पे इतनी ठंड है उस पर भी नदी के ठंडे पानी में नहाना पड़ता है। पर कीमी आंटी तो यहाँ बहुत नहाती थी, क्या टार्जन अंकल ने उनके लिए पानी में गीजर लगवाया हुआ था? वो मई के महीने में टूर पर आई थी समझे, और अभी सर्दी चल रही है ना, अभी तेरा घूमने का मन करे ना तू भी मई के वेकेशंस में आना, ठीक है? अभी जा चल। पर मोगली मुझे जंगल में ही रहना है। यहाँ पर देख घूमने फिरने के लिए कोई कार टैक्सी कुछ नहीं है और यहाँ टीवी भी नहीं है, तू कार्टून कैसे देखेगी? यहाँ पर देख फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल भी नहीं है। चलेगा। यहाँ अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट भी नहीं है। चलेगा। अबे यानी तो मान ही नहीं रही है। हाँ यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी नहीं है। क्या? यहाँ पर ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। नहीं। अरे चिंकी चिंकी रुक रुक, बैग तो ले दीजिए। खैर खैर खैर, मुझे पता था लड़कियाँ चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो
हर चीज के बगैर रह सकती है मगर शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर ना 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 कभी नहीं. और अगर रह सकती ना तो ये लोमड़ी इस जंगल में रह लेती. चलिए पूछते हैं कि हमारी शहर की लड़की और मोगली ये कॉम्बिनेशन शेखर आपको कैसा लगा? Fantastic combination. It was a wild performance, truly. बहुत बढ़िया किया तुम दोनों ने. बिल्कुल कैरेक्टर को समझ के कैरेक्टर में रह के परफॉर्म किया. बहुत बढ़िया. बहुत 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 बढ़िया. तुम दोनों बहुत अच्छे. बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाले हमारे छोटे ये साहबजादे और ये लिटिल मिस आ गई हैं. एंड यू बोथ आर आप दोनों को तो वाकई में आई कैन एंड आई विल टेक यू होम. माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सिद्धार्थ. थैंक यू नंदिनी फॉर अ लवली परफॉर्मेंस. जोरदार तालियां नंदिनी और सिद्धार्थ के लिए. थैंक यू. जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन तो नीचे ही होती है मेरे भाई. तो आज की रजिस्टर्ड जोड़ी है पायल की झनकार के एहसान मंद एहसान कुरेशी और द वेरी प्रिटी पायल रोहतगी आ रहे हैं शादी के बारे में अपने एक्सपीरियंस बताने और लोगों को हंसाने. बिग बॉस में मुझे देख के सब घबराए कहीं 1 करोड़ रुपया एहसान न ले जाए. हमने भी कहा चलो सबकी वाट लगा देंगे मगर हमें क्या पता सब मिलकर हमें ही भगा दे. एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ और बिग बॉस ने जो एडिट किया वो सीन दिखाता हूँ. पायल अपनी मस्ती में जी रही थी वो गार्डन एरिया में बैठ के चाय पी रही थी. मैंने बड़े प्यार से कहा पायल जी काश तुम प्यार के बीज बोती पायल नहीं यदि तुम बकरी होती. मैं बड़े प्यार से आपको पत्ती खिलाता सींग पकड़कर सर हिलाता और धीरे से पूछता बेवकूफ कौन मैं या तुम और तुम कहती मैं. मैंने सपने में देखा सपना पराया माल अपना. बिग बॉस से हुआ आउट लोगों को हुआ डाउट क्योंकि उनका डाउट सही था क्योंकि पायल का पति मैं था. पहला महीना बड़ा ही खुशगवार था क्या बताएं यारो गरीब यार बार था. घर को बाजारे हुस्न की तरह सजा लिया वो घर में बैठकर बियर बार का मजा लिया. कहा था रखूंगा राहुल से दूर रानी बना के फूलों से सजा के फूलदानी बना के. शादी के बाद तू भूल गया वादा रख दिया बार बाला की कहानी बना के. शादी के 1 महीना तो हमने लिया खूब मजा मगर दूसरे महीने मजा करने की मिल गई. तुम तो कहते थे तुझ में रब दिखता है. रब दिखता है तुझ में तो ऐब दिखता है. तुम तो स्वार्थी हो नींद में भी लात मारती हो. मैंने कब मारा. शेखर जी लोग गजल लिखते हैं दूसरों का माल देख के और हम दर्द भरे गीत लिखते हैं अपना हाल देख के. अब तो मेरी तारीफ में भी ताने ही कसते हैं इतने गिर गए हैं कि बदसूरत कामवाली से भी पटते हैं. तो क्या करें अर्चना जी अब तो रात छोड़ो दिन में भी बात नहीं होती है. मेरी पत्नी तो मुझसे खुद 12 फुट दूर सोती है. एहसान जी पायल जी आप पता है मैंने आज
ही आपका सपना देखा। मैंने भी पहली बार खुद का खराब सपना देखा। आपको कैसे पता चला कि सपने में मैंने आपकी शादी देखी थी? हैं? अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ अर्चना जी, खुद को सपनों की दुनिया से बाहर लाता हूँ, खुद को सपनों की दुनिया से बाहर लाता हूँ, और शेखर जी सीधा सीधा अपनी औकात में आता। थैंक यू। तो आइए अब पूछते हैं कि शेखर को इनकी शायरी कैसी लगी। आप लोगों का जो याराना है वो काफ़ी पुरअसर है, काफ़ी असरदार है, वो दिखता है। टुगेदर यू मेड मैजिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। फॉर अस टू हैव बोथ ऑफ यू हियर, आई इट्स एन ऑनर एंड अ ग्रेट प्लेजर एंड आई थिंक यू बोथ वर माइंड ब्लोइंग। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। शेखर जी दो लाइन अर्चना जी के लिए। आपसे ज्यादा खूबसूरत गुलाब नहीं, और सच बताऊं हंसने में आपका कोई जवाब नहीं। बात है एहसान जी, पायल सो मच, जोरदार तालियां पायल और एहसान जी के लिए प्लीज। कॉमेडी की ये अनोखी दुनिया अगले हफ्ते फिर से बसाएंगे और आपको एक बार फिर से हंसाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.